हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। आपको क्वेश्चन में कहा है, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, मैंगो ग्रोव मींस आम का बाग, मतलब एक आम का जो बाग है वो क्या हम डिजाइन कर सकते हैं अगर लेंथ जो है वो ब्रेथ की ट्वाइस हो और एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर हो। तो बताइए उसकी लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ बोला है, यानी कि हमारे पास ना लेंथ है ना ब्रेथ। द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज इक्वल टू एक्स। हमने रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, जो आम का बाग है रेक्टेंगुलर में, उसकी ब्रेथ को हमने क्या ले लिया, एक्स। लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ जो है वो ब्रेथ की ट्वाइस है, यानी कि जो भी ब्रेथ है वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस। तो हमारे पास आ जाएगा लेंथ इक्वल टू 2x, यानी कि ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, हमें क्वेश्चन में दिया है 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये लिख लिया, लेंथ है आपके पास 2x, ब्रेथ है x इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। 2x को करेंगे आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, ठीक है। अब देखिए इस 800 को यहां ले आइए, दो तरीके देखिएगा। एक तो सिंपल हमने कर लिया 2x square equal to 800, x square equal to 800, ये 2 नीचे आया divided में, ये आया 400, x square equal to 400, x आ गया under root 400, x आ जाएगा 20 into 20, यानी कि सीधा सीधा x यानी कि breadth आ गया 20, length आ गया 20 into 2 यानी कि 40। ये तो है एक सिंपल सा तरीका करने का, जिसको हमने जिस जिस ऑर्डर में दिया था उस तरीके से उसे सॉल्व कर लिया। अगर इसी क्वेश्चन को एज अ मेंशन हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में तैयार करके करें, तो आप देखिए कैसे करेंगे। तो आप इसे बनाइए 2x स्क्वायर 800 यहां ले आइए माइनस 800 इक्वल टू 0। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर यानी कि 2, यानी a तो आपके पास है 2, b यानी x यहां कुछ नहीं है तो 0, एंड c की वैल्यू क्या है माइनस 800। तो ये इक्वेशन बन गई। इसे और सिंपल बनाना हो तो देखिए क्या करेंगे, इसे कैंसिल करते हैं, इसे छोटा बना लेते हैं 2 से डिवाइड, ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अब आपके पास a क्या हो गया, कुछ नहीं है तो a हो गया 1, b आपके पास इसमें x है कहीं पर नहीं तो b 0, c आपके पास माइनस 400। एक्स स्क्वायर के साथ a होता है तो इसके साथ 1 है तो 1, bx यानी x का कुछ है ही नहीं तो 0, c मतलब नंबर यानी 400 तो माइनस का 4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। अब आपको इसको रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स कैसे निकलेंगे? हमें पता है d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 400, ये आ गया 0 माइनस माइनस प्लस 1600, ये आ गया। अब रूट्स निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a, माइनस बी यानी माइनस तो 0 हो गया, प्लस माइनस डी यानी कि 1600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1,
ये आ गया प्लस माइनस, यहाँ 1600 का हमने निकाला 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ गया 40 बाय 2 प्लस माइनस 2 से 20, यानी कि प्लस माइनस 20। अब देखिए हमारे पास रूट्स आ गए प्लस माइनस 20, पर हमें पता है कोई भी लेंथ या ब्रेथ नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ इक्वल टू 20 इंटू 2 यानी कि 40 मीटर। तो ये आपके पास लेंथ एंड ब्रेथ दोनों आ गई, सेम इस तरीके से आ गई। ये था आपका एक सिंपल तरीके से डायरेक्ट करना और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रेडी करना। तो ये किया हमने क्वेश्चन नंबर 3। तो आज हम यहीं पे क्लोज करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।